अब आप देखेंगे अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ, और आज घंटी बजाओ आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज आप सत्ता के अहंकार, रसूख के गुमान और ताकत के नशे में मदमस्त उस केंद्रीय मंत्री की करतूत देखने वाले हैं, जिन्हें न अपने संवैधानिक पद की मर्यादा का ख्याल है, न राजनीतिक शुचिता से कोई मतलब। ये जनाब उस पार्टी की सरकार में कद्दावर मंत्री हैं, जिस पार्टी का राजनीति में चाल, चरित्र और चेहरे पर जोर रहा। आज बोलने के लिए कम और वीडियो की जुबानी आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। आप जब खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का एबीपी न्यूज संवाददाता के साथ किया बर्ताव देखेंगे तो कह उठेंगे, क्या ये शख्स देश के एक बड़े मंत्री हैं? रिपोर्टर ने लखीमपुर कांड में फंसे उनके बेटे को लेकर सवाल पूछ लिया तो आखिर कौन सा गुनाह हो गया? क्या एक मंत्री कानून से, संविधान से और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत आने वाली अभिव्यक्ति की आजादी से भी ऊपर होता है? क्या एक मंत्री की जनता के मन में उठ रहे सवालों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? मंत्री जी की हनक देखिए और ऐसे अहंकारी दंभी राजनेताओं के खिलाफ घंटी बजाइए। हमारा नंबर आपके सामने है 8422840000। हमारे द्वारा जो प्रश्न किया गया कि आपके बेटे पर अन्य धाराएं पड़ गई, क्या कहेंगे, तो इस बात पर फर्क है। उसका मोबाइल छीन लिया, जो कि अभी तक उनके कब्जे में है। मीडिया को भी खली बुरी बातें उन्होंने कही। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है? रेजिग्नेशन के बजाय पत्रकारों पे हमला कर रहे हैं। भाई गुंडा आदमी गुंडा करती तो करेगा, और क्या करेगा? वो करते हो चोरी, फिर दिखाते हो सीना जोड़ी, यही इनका रवैया है। अजय मिश्रा के लिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एक अपराधी जो है मंत्रिमंडल में शामिल है तो उसे तो मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी करना चाहिए। और अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो इस सरकार को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ऐसे मंत्री को पद पर बने रहने का हक है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बारे में अब तक आपने जो भी कुछ देखा सुना वो कितना सच है वो उन्होंने खुद ही साबित कर दिया। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है? अब तक सवाल उनके बेटे को लेकर था, लेकिन आज एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद इन तस्वीरों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का असली चेहरा भी सामने आ गया। आखिर वो कौन सा सवाल था जिस पर मंत्री जी को इतना गुस्सा आ गया? ऐसा क्या पूछ लिया गया कि देश के गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठे अजय मिश्रा किसी गुंडे मवाली की तरह पेश आने लगे? इसका जवाब है इस वीडियो में। मंत्री जी अपने क्षेत्र में लखीमपुर में एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मीडिया के कैमरे को देखकर वो रुक गए। ऑक्सीजन प्लांट पर सवाल हुए तो उन्होंने बड़े धैर्य से जवाब देना शुरू किया। देखिए, ऑक्सीजन प्लांट जो है हमारे जिले में प्रत्येक
हमने विधानसभा में जो CSC है वहाँ पर लगा दिए हैं। ABP न्यूज के रिपोर्टर नवीन उनके ठीक सामने मौजूद थे। जैसे ही ऑक्सीजन प्लांट के बारे में मंत्री जी का जवाब खत्म हुआ तो रिपोर्टर नवीन ने ये सवाल कर दिया, मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई पर क्या लगा? मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई पर क्या लगा? सवाल सुनते ही केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के चेहरे की भाव भंगिमाएं बदल गईं। वो कुछ बोलते उससे पहले उनके समर्थक बोल पड़े, मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई पर क्या लगा? तब तक मंत्री जी का गुस्सा भी बढ़ चुका था। वो रुके और कहा, और इस तरह मंत्री जी का गुस्सा अचानक सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो भाषा की मर्यादा भूल गए, अपने पद की गरिमा को भूल गए और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ SIT की रिपोर्ट को लेकर सवाल कर लिया गया। इस मामले में उनके बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया। अब SIT ने उस घटना को एक सोची समझी साजिश बताते हुए आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या के साथ आपराधिक साजिश की धाराएं जोड़ने के लिए कहा। इसके बाद से आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग ने और जोर पकड़ लिया है। ये कोई रैंडम इवेंट नहीं था, कंस्पिरेसी था और काफी ऑब्वियस है कि कंस्पिरेसी किसने की और कैसे की। हम डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब अपने मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। अजय मिश्रा पहले दिन से इस मामले में अपने बेटे का बचाव कर रहे हैं। अब ऐन चुनाव के मौके पर SIT की रिपोर्ट उनके गले की फांस बन गई है, इसीलिए उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। रिपोर्टर को धमकाने और उसका फोन बंद कराने के बाद भी अजय मिश्रा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब दूसरे कैमरे से देखिए कि फोन बंद करवाने के बाद अजय मिश्रा किस तरह गुंडा गर्दी पर उतर आए। अरे फोन बंद कर दे, पूछो क्या सीट लगे? नहीं ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। का मोबाइल छीन लिया जो कि अभी तक उनके कब्जे में है, मीडिया को भी भली बुरी बातें उन्होंने कही। मंत्री सवाल पूछने पर गालियां देने लगे, मारपीट पर उतर आए तो फिर उसके कुर्सी पर बने रहने को लेकर सवाल तो उठेंगे ही। अगर अब भी बर्खास्त नहीं किया तो साबित हो जाएगा कि जो नरसंहार किसानों का हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के इशारे पर हुआ, टीनी मात्र मोहरा थी। देखिए केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो उनको बचाने में लगी है और उनको संरक्षण देने में लगी है। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करने वाले सिर्फ नेता ही नहीं हैं। ABP न्यूज ने अलग अलग शहरों में लोगों से भी पूछा कि क्या ऐसे मंत्री को पद पर बने रहना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी के तहत मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ देर ही सही, अभी भी निद्रा जगे और महसूस हो कि ऐसे माफिया मानसिकता के लोगों को कम से कम ऐसे पद पे तो नहीं रहना चाहिए जिसके अंडर में पुलिस काम करती। जनता के इस गुस्से की वजह समझिए, 2017 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो BJP ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने का वादा करते हुए लिखा था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। BJP तब ये आरोप लगाती थी कि अखिलेश यादव की सरकार के संरक्षण में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि उन्होंने पुलिस पर भी हमला करना शुरू कर दिया है और प्रशासन पंगु बनकर उनके आतंक के सामने घुटने टेकने को मजबूर है।
सवाल है कि अब क्या हो रहा है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री के बेटे पर किसानों को कुचलने की साजिश रचने का आरोप लग रहा है, दूसरी तरफ मंत्री खुलेआम पत्रकारों पर हाथ चला रहे हैं। यानी बेटा गाड़ी चढ़ाए, मंत्री जी हाथ चलाएं। अजय मिश्रा शुरू से ही ये दावा कर रहे हैं कि घटना की जगह पर उनका बेटा मौजूद नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो उसे न सिर्फ नजरअंदाज करना चाहते हैं बल्कि उसे लेकर सवाल करने वाले पत्रकारों को गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं। हैरानी की बात है कि इसके बाद भी बीजेपी के नेता अजय मिश्रा का बचाव कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जब जांच चल रही है तो इस प्रकार की बातें बेबुनियाद हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अजय मिश्रा को मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, ऐसे में वो जांच को प्रभावित नहीं कर सकते। पर सवाल है कि जब देश का गृह राज्य मंत्री, जिस पर देश की कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है, वो खुद कानून को ठेंगे पर रखकर खुलेआम मारपीट करता दिखे तो ऐसे मंत्री को बनाए रखने की मजबूरी क्यों है। और आप खुद तय कीजिए कि देश के गृह राज्य मंत्री जैसे पद पर बैठी शख्सियत का क्या ये बर्ताव होना चाहिए। घंटी बजाओ के इस हिस्से में हम ओमिक्रॉन के खतरे के बारे में आपको बताएंगे जिसके भारत में 69 तक पहुंच चुके हैं केस। जनता कितनी सावधान है और कितनी तैयार, ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन आज इस सवाल के साथ रिपोर्ट देखिए कि 2 गज की दूरी क्या रैलियों के लिए नहीं है जरूरी। गज की दूरी मास्क है जरूरी। कोरोना के संक्रमण से बचने का जो सबसे बड़ा और कारगर मंत्र है, लेकिन इस मंत्र को ऐसी चुनावी रैलियों में क्यों भूल रहे हैं नेता और जनता। दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, ये ना भूले कोई। ये चेतावनी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच जब बार बार दी जा रही हो तो उस चेतावनी को ऐसे चुनावी रोड शो में क्यों नजरअंदाज कर रही है पार्टियां और पब्लिक। दो गज की दूरी मास्क है जरूरी। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए इस सावधानी पर जब हर तरफ जोर दिया जा रहा हो तो वो सावधानी ऐसी सियासी भीड़ में आखिर क्यों भुलाई जा रही है। दो गज की दूरी मास्क है जरूरी। देश में तेजी से पांव जमाते ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच जब यही एहतियात हर किसी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, तब उस एहतियात को क्यों भुलाते नजर आते हैं सियासत के बड़े बड़े चेहरे। और इसीलिए देश से, हर देशवासी से, खास से लेकर आम तक घंटी बजाकर हम पूछ रहे हैं सवाल कि 2 गज की दूरी क्या रैलियों के लिए नहीं है जरूरी। चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि देश के जिस सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से बड़ी खबर निकल कर आई है जिसने ओमिक्रॉन की बढ़ती आफत के बीच हर किसी के होश उड़ा दिए। मुरादाबाद में विदेश से आए 130 लोगों का सुराग ही नहीं मिल पा रहा। इन सभी 130 लोगों को स्वास्थ्य विभाग लगातार ट्रेस तो कर रहा है,
लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। विभाग के मुताबिक पिछले दिनों मुरादाबाद में विदेश से 519 लोग आए, इनमें से ही 130 लापता हैं। अधिकारी बता रहे हैं कि इन 130 लोगों के या तो पते गलत निकले या फोन नंबर गलत है, जबकि कई नंबर स्विच्ड ऑफ मिल रहे हैं। विदेश से आए ये 130 लोग कौन हैं? अभी कहां हैं? यूपी में हैं भी या नहीं? इनमें से कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं? ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है, लेकिन साफ जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। कुछ मिसिंग नंबर्स हैं, उनकी तलाश की जा रही है। निश्चित रूप से उनको तलाश भी लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक में भी इस बात को डीएम सारे जिलाधिकारियों के माध्यम से सबको रखा गया कि ये इंश्योर करिए कि सारे लोग मास्क लगाए हों, जितना ज़्यादा संभव हो दूरी बनाने की भी कोशिश करें, एक दूसरे से जो व्यक्तिगत दूरी है वो बनाएं। जितनी भी परमिशन दी जा रही है उस सब में कोविड प्रोटोकॉल का पालन आपके लिए आवश्यक है। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर भी ये मान रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं, जरा सी भी लापरवाही बड़ी मुसीबत ला सकती है। जय जय श्री राम। क्योंकि यूपी उन 5 राज्यों में है जहां चुनाव होने वाले हैं और इस चुनावी दौर में लगातार रैली, जुलूस, रोड शो और यात्राओं ने चुनौती बहुत बढ़ा दी है। जैसे कि जौनपुर की ये तस्वीर। बस्ती जिले से आई तस्वीरें भी देखिए, जो बताती हैं कि सत्ता में आने के लिए, जनता का वोट पाने के लिए कोई दल, कोई नेता पीछे नहीं। लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क जैसी सावधानी ऐसी सियासी और चुनावी तस्वीरों में दूर दूर तक नजर नहीं आती। अयोध्या की ये ताजा तस्वीर भी आपके सामने है। बीजेपी शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अयोध्या में सरयू नदी का पूजन किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। कई मुख्यमंत्री पत्नियों समेत पहुंचे थे। 2 राज्यों के 3 उप मुख्यमंत्री भी आए। लेकिन सवाल इस तस्वीर को लेकर भी है। सवाल ये कि देश में जब ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है, तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, तब संक्रमण के खतरे से बचाने वाले नियम कानून क्या सिर्फ आम लोगों के लिए ही है? तो 2 गज की दूरी रैलियों के लिए नहीं जरूरी। ये सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना का कहर झेलने वाले अमेरिका से ओमिक्रॉन पर नई स्टडी सामने आ गई है, जिसमें कई नए दावे हैं जो बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं। स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन के केस दुनिया में हर 2 से 3 दिन में डबल हो रहे हैं, जो कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम समय है। डेल्टा वेरिएंट में केस दुगने होने में 4 से 5 दिन लग रहे थे। ओमिक्रॉन से डेल्टा की तुलना में री इन्फेक्शन का खतरा भी 5 गुना ज्यादा है। ओमिक्रॉन पर मौजूदा वैक्सीनों के बेअसर होने की आशंका WHO पहले ही जता चुका है। यही बात देश में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK Paul ने भी कही कि संभव है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बदले हालातों के बीच हमारी वैक्सीन का असर कम हो जाए। ओमिक्रॉन मामलों की अगर बात करें तो देश में इस वेरिएंट के अब 65 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा 32 केस महाराष्ट्र में हैं, 17 राजस्थान में, 6 दिल्ली में, 3 कर्नाटक में, 4 गुजरात में, 1 पश्चिम बंगाल में, 1 केरल में, 1 आंध्र प्रदेश में, तो 1 चंडीगढ़ में केस अब तक सामने आ चुका है। ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों के बीच जहां 2 दिसंबर को यह आंकड़ा 2 पर था, वहीं 14 दिसंबर को यह आंकड़ा 44 पर पहुंच गया और 15 दिसंबर होते होते 70 तक पहुंच गया। यानी कि ओमिक्रॉन की रफ्तार और ताकत को लेकर जो भी दावे किए जा रहे थे वो सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही तस्वीरों को देखें तो उनमें सावधानी कम और लापरवाही अब भी ज्यादा नजर आ रही है। जैसे चुनावी राज्य यूपी और पंजाब से आई ये 2 ताजा तस्वीरें, जो ये पूछती हैं कि 2 गज की दूरी क्या ऐसी रैलियों के लिए नहीं है जरूरी। ये सवाल आज इसलिए भी क्योंकि कोरोना के संक्रमण के खतरे को दरकिनार करते हुए ऐसी लापरवाही देश में दूसरी लहर लेकर आई थी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल समेत 5 राज्यों में इसी साल जब विधानसभा चुनाव हुए
तो रैलियों में सावधानियों को भुला दिया गया था। फिर दूसरी लहर में भारत ने क्या क्या सहा वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन चुनाव वाले राज्य यूपी और पंजाब के अलावा दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों से आती ऐसी तस्वीरें देखकर लगता नहीं कि देश ने दूसरी लहर से कोई सबक सीखा, क्योंकि अगर सबक सीखा होता तो खास से लेकर आम लोगों तक दो गज की दूरी भी रखते और मास्क को जरूरी भी समझते। ABP News आपको रखे आगे।